नमस्कार प्रणाम, हम हैं एक्टर कृष्ण कुमार। कैसे मेहमानी हो? एकदम बढ़िया, चकाचक, फंटास्टिक। खेतवा में क्या होता है आजकल? खेतवा में शूटिंग होता है भैया। अच्छा, बहुत बढ़िया मजेदार शूटिंग आज करीब 5-7 दिन से हो गई चलत। एकदम बिंदास होकर शूटिंग करत है हमने के यूपी में। मतलब सब कोई बंबई छोड़ देले आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री? हाँ, बंबई में कोरोना जी बहुत ना। अच्छा, देखा था नहीं, पूरा भरल बा, पूरा ब्रह्मांड में कोरोना बा, बंबई में तो ज्यादा ही बाटे। 60% सुना था कि बंबई में सारा लोग लखनऊ। हाँ। यूपी में एकदम धमाका बम की तरह गिरौले वालों, सारा यूनिट 25-30 को फिल्म का शूटिंग हो रहा था। इसलिए तू खेता में आगे शूटिंग करेगा भाई, कोई कोरोना है? भोजपुरी फिल्म है ना, तो भोजपुरी के मिठास जन बात माटिए में होला। सही बात बा, ऐसे हमने खेता भेल बनी सर। भोजपुरी में बड़ा सुनिए कि कोरोना भेज बाबा हीरो हीरोइन के ककर को बजा बताई ना, अगर लापरवाही करी लो तो कोरोना तो होबे करी। हां, मैं हम और कुछ नहीं किसन कर सकत, खुद के रौरा स्वयं के अपने आप के कंट्रोल करे के बा। शूटिंग हो रहल बा, शूटिंग पे कोशिश करे के बा कि उसे हाथ ना मिलाई, क्योंकि लगे ज्यादा चिपकी मत, बाहरी लोग आवत तो उससे दूरी बना के रखी, कहे कि ये मान के चली कि छुआ छूत के ही बीमारी बा, तो जितना दूरी बना के रखे, हम अपना के प्रिकॉशन लेकर रखे, हम गर्म पानी पियत रही, तुलसी पत्ता खाते रहे, हमने के शूटिंग करता है सर, लेकिन हमेशा लौंग इलायची काढ़ा पियत रहता है सर, मास्क लगा के रखता है, जब शॉट देते हैं तब चेहरा पर नकाब फटता और शूटिंग बिंदास करते। इतना चीज सावधानी बरतते बरतते कैसे सब लोग कोरोना हो गए? सुनिए कि कहीं ना कहीं, सुनिए कि अमरपाली जी के मोनाली से भी कोरोना हो गए बा जी, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई हुई। अब का बताई तो का अमरपाली जी के कुछ कहल चाहता नहीं कोरोना भइल बा ओकरा सावधानी बरते के? अब तो हो चुकल बात, तो वहां के दवाई से दवाई कराई और गर्म पानी काढ़ा बना के पी, और जन डॉक्टर प्रिकॉशन देले बड़े वो लेके इस्तेमाल करी दवाई के, और एक बाद भी परहेज करे एक बार, ऐसा नहीं कि करे ना कोरोना से और निवृत्त हो जाए तो फिर कोरोना ना हुई, एक कोनो गारंटी नहीं के, तो बचे के बाद सब करा के, चाहे अमरपाली जी हो कि अक्षरा जी हो कि चाहे मोनालिसा जी हो कि सारे लोग के, भोजपुरी के पूरे देश के हम कहब कि कोरोना से थोड़ा बच के रही, एक कोनो इलाज फिलहाल तो बा ना, दवाई के रूप में, इंजेक्शन के रूप में, एगो प्रिकॉशन के रूप में हम लेते नहीं सन कि कोरोना हमारा ना हुई, ऐसा नहीं है, लेकिन परहेज करे के बाद दवाई एक माध्यम बाकी और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे। भोजपुरी में सुनिए कि डायरेक्टर सनोज मिश्रा के, जोगेश मिश्रा जी, अमित श्रीवास्तव जी, एम आई राज जी, मोनालिसा, अमरपाली दुबे और के गोस्वामी जी, ऐसे कई लोग जिसे कोरोना हो गया है और घर में शक्ति बरत रहे। कहीं ना कहीं मिस्टेक भइल बा कुछ ना कुछ, अब नाम हम नहीं लेके चाहता, तो सनोज जी बानी बराबर बार बार घूमत रहे नहीं, कहीं ना कहीं ट्रेन में सफर कैले हो कि फ्लाइट में कैले हो कि कुछ ना कुछ कहीं मिस्टेक भइल होके, जौना के वजह से कोरोना अंदर चल गई होके, और भी लोग जितना भी डायरेक्टर बा, तो डायरेक्टर लोग के कामे बा मानी यहाँ वहाँ जाइल मीटिंग कैल, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक भइल बा जौना के वजह से कोरोना भइल बा। हमको जरा बताई कि लॉकडाउन में क्या होता है गांव में? फिर से एक गांव में भोजपुरी फिल्म गीत के शूटिंग हो रहा है। अच्छा, फिल्म का नाम है गीत, गीत हाँ। तो संगीत कहाँ गया फिर भैया? फिल्म का नाम गीत है। हाँ। और संगीत और गीत दोनों एक ही चीज होता है। हाँ। संगीत और गीत जिसमें दो स्टार भी है, एक मैं भी हूँ और हमारे साथ सुर संग्राम विनर जानते होंगे आलोक कुमार जी, आलोक कुमार जी भी हैं और वो तो सिंगर खुद है ही हैं, तो गीत जो फिल्म बनी थी उनके लिए ही बनी थी, बट कास्टिंग में क्या होता है, लाइव तो हम लोग गाते नहीं हैं, एक्ट करना होता है, तो एक्ट के माध्यम से प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि नहीं, कृष्णा कुमार बेस्ट होगा, दो हीरो की कहानी है और दोनों ही सिंगर होते हैं, एक एस्टेब्लिश सिंगर होते हैं जो मैं रोल कर रहा हूँ, और वो अपना धीरे धीरे सीख सीख करके एक मुकाम पर आते हैं, और दोनों की कहानी अभी मैं ओपन नहीं करूँगा, नहीं तो फिर मजा किरकिरा हो जाएगा। जैसा नाम है गीत, उसी तरह की फिल्म है। लॉकडाउन के बाद कितना अभी तक फिल्म करनी, कौन कौन सा भैया? 11-12 को कल है लॉकडाउन के बाद, आई थिंक 22 तारीख से परमिशन मिलल फिल्म के कि अब फिल्म शुरू कर जाए शूटिंग के, कुछ प्रिक्यूशन के बाद, तो पारो फिल्म हमारे याद बा कि 22 सितंबर में शायद शूट हो रहे, 22 तारीख से लगातार काम करते नहीं, हर महीने दर्शक इतना प्यार दे दिले बड़े कि अब हम का बताएं, मतलब माल खूब छाप ले बड़ा, माल खूब छाप ले बड़ा लॉकडाउन में, यही कहे का मतलब है। आज तक हमारे यह ना पता चल कि हमारे फीस का बा, और यो बतावे चाहते नहीं कैसे नहीं के बिना पैसे के काम करनी, मतलब कृष्णा कुमार का फीस बढ़ गया भैया, लोग यो 50 लाख की डिमांड अब करिए ना अगले महीने से। 50 लाख की डिमांड ना करम, लेकिन तुम्हार लॉन्चिंग हीरो कौन रहे? चूल्हा जलता तो हमारे तो चाहिए कृष्णा भाई, तुम्हारा लॉन्चिंग हीरो कौन रहे जरा बताए? लॉन्चिंग हीरो
पहला हाँ, पहली फिल्म, फिल्म हमारे बेताब रहे खेसारी जी के साथ। अच्छा, और खेसारी जी के हम तो शुक्रगुजार हैं और उनके हम आदर्श माने नहीं, कारण कि आज खेसारी जी नंबर वन पर तो चलते बानी और उन्हें के पद चिन्ह पर हम हूँ बानी। पीछे पीछे हम सिंगर नहीं थी लेकिन खेसारी जी के बहुत सपोर्ट मिला हमारा। बेताब जो जीता सिकंदर, हीरो नंबर वन, होगी प्यार की जीत, दबंग सरकार, अभी बाप जी को आवे वाला फिल्म बा, तो बहुत सपोर्ट मिला और वहाँ के हम फिल्म देख देख के आज स्टार बन गई। हम तो कहीं से सीख कैल रहनी, बेसिकली हम इंजीनियर रहनी और मारुति में नौकरी करत रहनी, लेकिन दर्शक हमारा के एक्सेप्ट कर ले। दर्शक के कोटि कोटि धन्यवाद और प्रणाम कर दानी कि ऐसा ही प्यार और आशीर्वाद रो बनावले रखें और लगातार तमाम आगे फिल्में वाला लगभग 42-43 फिल्में हो गए 6 साल में। ये दर्शकों का प्यार ही है। भोजपुरी में कौन हीरो बहुआ जकर साथ काम अभी तक नहीं कले भैया? हमके तो लगातार देखिए मनोज तिवारी जी मानी वहाँ के बहुत पहले हीरो रहनी, जब हम एंट्री लेनी 2013 में तो वहाँ के काम खत्म हो गए रहे, लेकिन रवि किशन जी के साथ काम कर चुकल बानी, दिनेश लाल जी के साथ काम कर चुकल बानी, पवन जी के साथ कर चुकल बानी, खेसारी जी के साथ कर चुकल बानी, कल्लू जी के साथ कर चुकल बानी, आपके प्रदीप पांडे चिंटू जी के साथ कर चुकल बानी, रितेश पांडे जी के साथ कर चुकल बानी, प्रमोद प्रेमी के साथ कर चुकल बानी। हमके लगा था कि जितना भी स्टार लोग बा लगभग ऐसा हम अपन सौभाग्य मानत हानी कि सारे स्टारों के साथ हम काम कर चुकल बानी, और साथ जे जे हीरोइन भी बा मेन में सबके साथ काम कर चुकल। जैसे कौन कौन हीरो सौभाग्य है? अपने पाली जी, अक्षरा जी, काजल जी, उसके बाद तमाम और भी लोग हीरोइन है, सबके साथ मैंने काम कर चुका। तो लॉकडाउन में काका कोई लहजरा बताओ मैं दस को। लॉकडाउन में 11 को तो फिल्म बतेबे करे कि पारो ओकर अलावा का केला बलमा कनिया, भोजपुरिया में दम बा कनिया, ओकरा बाद पत्थर के देवता कनिया, प्यार के देवता सॉरी, ओकरा बाद का नाम बटे यारी कनिया, हम यार है तुम्हारे कनिया, अभी गीत के शूटिंग चल रहा बा, एकरा बाद फिर एक और फिल्म बा, फिर मई में इसी प्रोडक्शन हाउस का एक और फिल्म है जो हम और आलोक जी को लेकर के ही प्रोड्यूसर साहब संजोग है कि लगातार तीसरी फिल्म मैं उनके साथ करूंगा इस प्रोडक्शन हाउस का जो थोड़ा एक्शन मूवी होगा। सबसे पहला भी फिल्म कौन रिलीज पे तैयार बा? हमार बाप जी आवता यानी लॉकडाउन के बाद। उनका क्या रोल बा तुम्हारा? बाप जी में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रोल है। खेसारी जी के जो पिताजी हैं वो मेरी बहन से शादी करना चाहते हैं और बाकी इसके बाद उसमें गाना आप सुने ही होंगे जो रितु सिंह गाना गाती है कि भतीजवा के खिलाफ भी तोहरा के कुछ इस तरह का संवाद है, वो मीनिंग वही हकीकत है कि वो कहती है कि आखिर तुम्हारे पिताजी शादी कर रहे हैं तो जो बच्चा होगा मैं उनको खिलाऊंगा कि तुमको खिलाऊंगा। तो बहुत अच्छी कहानी है, एक फैमिलियर ड्रामा है पूरी तरह से और एक सस्पेंस होकर लास्ट में थोड़ा सा हम अपने आप को चेंज कर लेते हैं जिसकी वजह से उनके फादर एक डायरेक्टर के हो देव पांडे जी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, इंजीनियर आदमी हैं, मैं भी इंजीनियर हूँ तो बहुत पढ़ता भी हूँ उनसे और पहली पसंद मेरे भी हैं और वो भी जो भी फिल्में करते हैं हमको याद करते हैं। जाते जाते कुछ दर्शकों कहेंगे? दर्शकों को बार बार मैं ही कहता हूँ कि आप लोगों ने डे वन से बेताब से ही मुझे प्यार करना प्यार किए और अभी तक करते आ रहे हैं और आप लोगों ने मुझे हीरो बना ही दिया, तो ये प्यार मैं आजीवन ऋणी हूँ और कभी जीवन में भूलूंगा नहीं और मैं भी आप लोगों को इसी तरह डे वन अपने आप को इम्प्रूव करता हूँ और एक अच्छी से अच्छी फिल्में बनाने की कोशिश करता हूँ और अच्छी से फिल्में दूंगा आप लोगों को। मैं कोशिश करता हूँ कि आज जो भोजपुरी पे दाग लगा हुआ है कि बलगरेटी, देखिए अब धीरे धीरे बलगरेटी खत्म होते जा रही है, मैं डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ, सारी फिल्में रिलीज करता हूँ, तो सेंसर सर्टिफिकेट मेरे हाथ में आजकल आ रहा है, तो पहले 100 में 90 ए सर्टिफिकेट मिलता था और आज के डेट में 100 में 90 यूए सर्टिफिकेट मिलता है, मतलब एक का इक्के दुक्के कहीं गलती से बहुत ज्यादा एक्शन खून खराबा रहता है तो सर्टिफिकेट आ रही है, तो हमें लग रहा है कि अब धीरे धीरे हम भोजपुरी को चीजों को बदल रहे हैं। ठीक है, सिनेमा हॉल खराब हो गया कारण कि दर्शक नहीं जा रहे हैं, उसका बहुत सारे मतलब है, एक ही ऐसा नहीं कि फिल्म हमारा एडल्ट बनता था इसलिए लोग जाते थे या एडल्ट बनना बंद हो गया इसलिए नहीं जाते हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं, सिनेमा हॉल का अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है, सीटें अच्छे नहीं है, मन में एक मानसिकता लोगों की बैठ चुकी है कि सिनेमा अच्छा नहीं बन रहा है। भोजपुरी की एक ही सबसे डिमेरिट है कि भोजपुरी फिल्में मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है मैं ये देखता हूँ कि सबसे पहले डिसाइड होता है कि बजट क्या है, जो आदमी बजट दे के फिल्म बनाता है मजबूरी है उनकी भी क्योंकि भोजपुरी में इलाज नहीं है, मालूम चलता है कि 1.5 लाख की रिकवरी तो 1.5 लाख के अंदर ही फिल्म बनाना है, तो फिर हम अपने आप कुछ चीज़ों को खोल नहीं पाते हैं और ना अपने आप को इम्प्रूव कर पाते हैं, एक दायरा सीमित है जिसके वजह से हम अच्छी फिल्में नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि अच्छी फिल्म बनाने के लिए कहानी के हिसाब से हमें वहाँ जाना होता है, वहाँ करना होता है, लेकिन मजबूरी है, पैसा किसी का भी लगता है बर्बाद होता है, तो लेकिन अब धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, उम्मीद करता हूँ कि अब आने वाले समय में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आ रही है और लोग देख भी रहे हैं ट्रेलर की, अलग अलग लोकेशंस पे लोग जा रहे हैं, विदेशों में फिल्में लंदन में, मॉरिशस में, नेपाल में, तमाम फिल्में शूटिंग हो रही है और अच्छे अच्छे लोकेशंस हमको देखने को मिल रहा है और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद आप लोग बनाए रहिए। अगेन मैं कृष्ण कुमार आप लोगों को तहे दिल से नमस्कार करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी हमारे इस प्यार को स्वीकार करेंगे और अपना भरपूर प्यार देंगे।
लगभग ऐसा हम अपन सौभाग्य मानत हानी कि सारे स्टारों के साथ हम काम कर चुकल बानी ओकरा साथ जे हीरोइन भी बा मेन में सबके साथ काम कर चुकल जैसे कौन कौन हीरोइन सौभाग्य है अपने पाली जी अक्षरा जी काजल जी और उसके बाद तमाम और भी लोग हीरोइन है सबके साथ मैंने काम कर चुका तो लॉकडाउन में काका के लहजरा बताओ मैं दस लॉकडाउन में 11 को तो फिल्म बतेबे करे कि पारो ओकरा अलावा का के मलमा कनिया भोजपुरिया में दम बा कनिया ओकरा बाद पत्थर के देवता कनिया प्यार के देवता सॉरी ओकरा बाद का नाम बटे यारी कनिया हम यार है तुम्हारे कनिया अभी गीत के शूटिंग चल रहा बा एकरा बाद फिर एक और फिल्म बा फिर मई में इसी प्रोडक्शन हाउस का एक और फिल्म है जो हम और आलोक जी को लेकर यही प्रोड्यूसर साहब संजोग है कि लगातार तीसरी फिल्म मैं उनके साथ करूंगा इस प्रोडक्शन हाउस का जो थोड़ा एक्शन मूवी होगा सबसे पहला भी फिल्म कौन रिलीज पे तैयार बा हमार बाप जी आवता है लॉकडाउन के बाद उनमें क्या रोल बता बाप जी में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रोल है खेसारी जी के जो पिताजी हैं वो मेरी बहन से शादी करना चाहते हैं और बाकी इसके बाद उसमें गाना आप सुने ही होंगे जो रितु सिंह गाना गाती है कि भतीजवा के खिलाफ की तोहरा के कुछ इस तरह का संवाद है वो मीनिंग वही हकीकत है कि वो कहती है कि आखिर तुम्हारे पिताजी शादी कर रहे हैं तो जो बच्चा होगा मैं उनको खिलाऊंगा कि तुमको खिलाऊंगा तो बहुत अच्छी कहानी है एक फैमिलियर ड्रामा है पूरी तरह से और एक सस्पेंस होकर लास्ट में थोड़ा सा हम अपने आप को चेंज कर लेते हैं जिसकी वजह से उनके फादर एक डायरेक्टर क्या हो देव पांडे जी हैं बहुत अच्छे इंसान हैं इंजीनियर आदमी हैं मैं भी इंजीनियर हूँ तो बहुत पढ़ता भी हूँ उनसे और पहली पसंद मेरे भी हैं और वो भी जो भी फिल्में करते हैं हमको याद करते हैं ज़्यादा से कुछ दर्शकों कहेंगे दर्शकों को बार बार मैं ही कहता हूँ कि आप लोगों ने डे वन से बेताब से ही मुझे प्यार करना प्यार किए और अभी तक करते आ रहे हैं और आप लोगों ने मुझे हीरो बना ही दिया तो ये प्यार मैं आजीवन ऋणी हूँ और कभी जीवन में भूलूंगा नहीं और मैं भी आप लोगों को इसी तरह डे वन अपने आप को इम्प्रूव करता हूँ और एक अच्छी से अच्छी फिल्में बनाने की कोशिश करता हूँ और अच्छी से फिल्में दूंगा आप लोगों को मैं कोशिश करता हूँ कि आज जो भोजपुरी पे दाग लगा हुआ है कि बलगरेटी देखिए अब धीरे धीरे बलगरेटी खत्म होते जा रही है मैं डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ सारी फिल्में रिलीज करता हूँ तो सेंसर सर्टिफिकेट मेरे हाथ में आजकल आ रहा है तो पहले 100 में 90 ए सर्टिफिकेट मिलता था और आज के डेट में 100 में 90 यूए सर्टिफिकेट मिलता है मतलब एक इक्के दुक्के कहीं गलती से बहुत ज्यादा एक्शन खून खराब आ रहा था तो सर्टिफिकेट आ रही है तो हमें लग रहा है कि अब धीरे धीरे हम भोजपुरी को चीजों को बदल रहे हैं ठीक है सिनेमा गलती से बहुत ज्यादा एक्शन खून खराब आ रहा था तो सर्टिफिकेट आ रही है तो हमें लग रहा है कि अब धीरे धीरे हम भोजपुरी को चीजों को बदल रहे हैं ठीक है सिनेमा हॉल खराब हो गया कारण कि दर्शक नहीं जा रहे हैं उसका बहुत सारे मतलब है एक ही ऐसा नहीं कि फिल्म हमारा एडल्ट बनता था इसलिए लोग जाते थे या एडल्ट बनना बंद हो गया इसलिए नहीं जाते हैं बहुत सारे फैक्टर हैं सिनेमा हॉल का अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है सीटें अच्छे नहीं हैं मन में एक मानसिकता लोगों की बैठ चुकी है कि सिनेमा अच्छा नहीं बन रहा है भोजपुरी की एक ही सबसे डिमेरिट है कि भोजपुरी फिल्में मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है मैं ये देखता हूँ कि सबसे पहले डिसाइड होता है कि बजट क्या है जो आदमी बजट दे के फिल्म बनाता है मजबूरी है उनकी भी क्योंकि भोजपुरी में इलाज नहीं है मालूम चलता है कि 1.5 लाख की रिकवरी तो 1.5 लाख के अंदर ही फिल्म बनाना है तो फिर हम अपने आप कुछ चीज़ों को खोल नहीं पाते हैं और ना अपने आप को इम्प्रूव कर पाते हैं एक दायरा सीमित है जिसके वजह से हम अच्छी फिल्में नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि अच्छी फिल्म बनाने के लिए कहानी के हिसाब से हमें वहाँ जाना होता है वहाँ करना होता है लेकिन मजबूरी है पैसा किसी का भी लगता है बर्बाद होता है तो लेकिन अब धीरे धीरे बदलाव हो रहा है उम्मीद करता हूँ कि अब आने वाले समय में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आ रही है और लोग देख भी रहे हैं ट्रेलर की अलग अलग लोकेशंस पे लोग जा रहे हैं विदेशों में फिल्में लंदन में मॉरिशस में नेपाल में तमाम फिल्में शूटिंग हो रही है और अच्छे अच्छे लोकेशंस हमको देखने को मिल रहा है और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद आप लोग बनाए रहिए अगेन मैं कृष्ण कुमार आप लोगों को तहे दिल से नमस्कार करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी हमारे इस प्यार को स्वीकार करेंगे और अपना भरपूर प्यार देंगे Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.